हमारी हवा टाइट हो गई थी क्योंकि बहुत गर्मी थी। एक चाट है, फिर वो कचोरी वाला चाट है, बनारसी पान, सब मैंने लिस्ट लेके मैं आई हूँ सर, मैं सब खा के वापस जाऊंगी। भयान जैसा कोई स्लेव ड्राइविंग डायरेक्टर नहीं है, तरीके से वो सबको टॉर्चर करता है। बहुत अच्छा लगा, पहले दो दिन हमारी हवा टाइट हो गई थी क्योंकि बहुत गर्मी थी, दो दिन बाद आई थिंक वी गॉट यूज्ड टू इट। पहली रात भयान ने हमें एक बोट में पूरे घाट का सफर करवाया। आई थिंक बनारस जब मैं अयान से बात करता था तो वो भी कहता था कि मुश्किल होगी शूटिंग करने के दौरान क्योंकि गर्मी है, हम बहुत सारी चीज़ें हम एक्शन कर रहे हैं, गाना कर रहे हैं, एक बार दो तीन दिन आप रहोगे बनारस में यू अंडरस्टैंड द सोल ऑफ बनारस, सेंस ऑफ बनारस। एंड आई थिंक अभी जब आप कुछ एक हफ्ता या आठ दिन हुए हैं आई थिंक वी अंडरस्टूड इट, और हम कल्चर में एकदम घुस गए हैं। मैं तो हर रोज लस्सी पी रही हूँ क्या वो एक चाट भी मुझे अभी खाना है डे ऑफ में, बनारसी थाली। हाँ, एक बनारसी थाली। तो हम एक्चुअली यहाँ पे पूरे पूरे तरह से बस गए। हम काशी टेंपल भी गए थे शूट खत्म करने के बाद, सुबह हम चार गए थे, तो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। बनारस दिख रहा है इसमें, बनारस बहुत ही ज्यादा दिख रहा है, मेरा ये मानना है। किरदार है ठंडाई भी आपने कि नहीं बनारस? हाँ, वो तो पहुंचते ही पी थी। वो चाट फुल्की फुल्का एक चाट है, फिर वो कचोरी वाला चाट है, बनारसी पान, सब मैंने लिस्ट लेके मैं आई हूँ सर, मैं सब खा के वापस जाऊंगी। जो 11 साल हो गए इंडस्ट्री में, एक जो सीख मुझे मैंने पाई है कि भयान जैसा कोई स्लेव ड्राइविंग डायरेक्टर नहीं है, तरीके से वो सबको टॉर्चर करता है, ऐसा टॉर्चर। प्लीज टेल देम यू आर बीइंग सार्कास्टिक। सही बोल रहा हूं, लेकिन एक बात कह सकता हूँ कि ये फिल्म बहुत ही मन लगन मेहनत दिमाग दिल से बन रही है। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि इतना चेंज बनारस में आया है कि पहले वो जो 15 साल या 10 साल पहले यहाँ शूट उन्होंने किया तो बहुत कचरा था, बहुत सारी चीज़ें थी, बनारस इतना साफ हो गया है, जो गंगा है वो इतना साफ हो गया है। एंड आई थिंक हमें मोदी जी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जो स्वच्छ भारत का अभियान दिया है। और एक और खास बात बनारस में ये देखिए, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं और हम लोगों से बात करते हैं, यहाँ मोदी जी के लिए बहुत प्यार है,